Assalamu alaikum class play group, how are you all? I hope and pray that all of you are fine and great at home. As you know that today is 28th of January 2021 and we have a Thursday. So on Thursdays we usually do English reading. तो रीडिंग में या तो हम पिक्टोरियल रीडिंग करते हैं बुक्स से या हम करते हैं साइट रीडिंग. तो आज हम करेंगे साइट रीडिंग. दैट मीन्स आई विल गिव यू अ वर्ड और उसको यू हैव टू रिकग्नाइज द वर्ड. ठीक है, उसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि ये वर्ड जो है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली हमने पढ़ा था अली और पढ़ा था दिस. So, should now be able to recognize those words, okay? So, that is called sight reading. यानी कि आपने words देखकर, then you have to recognize the words as well. तो हम recall कर लेते हैं, हमने ये previous class में पढ़ा था, ये क्या word है? Ali, Ali. देखिए गौर से, Ali. Ali, repeat after me. Ali, whenever I am going to show you this word, जब भी मैं आपको ये word दिखाऊं, तो आप क्या कहेंगे इसे पहचानने के बाद? Ali, you are going to say Ali, okay? If I'll show you the card which has this word Ali, so you have to tell me that this is Ali. ठीक है, this word is Ali. Ali. Then we have next is this. 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 क्या लिखा है ये? This. मैंने previous class में भी पढ़ाया था ये. उम्मीद है आप लोगों ने इसको revise किया होगा. Okay, you have to revise again and again in order to recognize the words. Okay. You have found it difficult lately. आपके असेसमेंट में भी आपको थोड़ा सा इसको मुश्किल लगा था, लेकिन आपने अब से चीज़ों को रिकग्नाइज करना सीखना है. ओके एवरीवन, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर, लुक एट द वर्ड एंड रिकग्नाइज इट. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस बार बार आपने इसको दोहराना है. ओके एवरीवन, यू हैव टू रिपीट इट, रिकॉल इट अगेन एंड अगेन. सो दिस लेटर इज, सॉरी, दिस इज, दिस वर्ड इज दिस इटसेल्फ. ओके, दिस. जब मैं आपको ये दिखाऊंगी तो ये कौन सा लेटर होगा? शाबाश, दिस. एंड विच लेटर इज दिस? विच वर्ड इज दिस? अली, अली, अली. नाउ वी हैव दीज टू वर्ड्स फॉर टुडे. इसकी हमने साइट रीडिंग करनी है. वी हैव टू रिकग्नाइज दीज वर्ड्स एज वेल एज वी हैव टू रिपीट इट बाय सेइंग इट लाउडली. ओके, सो विच वर्ड इज दिस? इज, 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 इज. Repeat after me, is. Now, the next word we have is bano. Bano, bano. So, in the next video, I'm going to show you the play cards. Okay, and they would be having some words in it. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी वो कार्ड्स, आपने पहचानना है कि क्या लिखा हुआ है, और आपको एटलीस्ट इन फोर वर्ड, जो कि दो प्रीवियसली मैं बता चुकी हूँ और दो आज कराए हैं, कौन कौन से? इज बानो, इज बानो, इज बानो. अच्छा,
आपने सिर्फ और सिर्फ इसको याद नहीं कर लेना है, आपने देख कर पहचानने की प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू क्या करते हो आप लोग कह देते हो इसको अली. आपने याद किया हुआ होता है कि अली कोई वर्ड है बट रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि अली कहाँ लिखा है और बानो कहाँ. तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, यू हैव टू लुक एट द कार्ड. कार्ड को देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि अगर ये बो लिखा है तो बानो होगा, यानी कि ये बड़ा सा जो बना हुआ है इससे स्टार्ट होने वाला वर्ड बानो है. जबकि ईसा लिखा हुआ है तो इज है, जिसके अगर ऊपर डॉट लगा हुआ है तो ये इज है, इज इज. तो आपको देखना है एंड देन यू हैव टू रिकग्नाइज इट. ओके एवरीवन, वंस यू विल बी डन विद दीज लेटर्स, तो हम इसके सेंटेंस को रीड करना सीखेंगे. फिर कहीं भी लिखा होगा तो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट. प्लीज डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, डू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. I'll be back with the next video. Till then, take care of yourselves, everyone. Allah Hafiz.